गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। हम समस्याओं को अलग तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने विचारों और ज्ञान के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि, देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती है। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आप अपनी बुद्धि और विचारों के जरिए सफलता पा सकते हैं। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत के सहयोग से किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अनोखे विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे किसी व्यक्ति के प्रवेश करते ही खाली कुर्सी पर एक विशेष प्रकार की रोशनी हो और वह अपने नजदीक की कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा, तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ तीन काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। ऋषभ नाम के एक छात्र ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगेंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ, मेरे पास अभी पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। उन्हें सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इंस्पायर अवार्ड्स के तहत प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य द्वारा श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों का नामांकन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वेब पोर्टल EMIAS पर किया जाएगा। इसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत द्वारा देश के सभी स्कूलों से 1,00,000 नए विचारों को चुना जाएगा। सभी चुने हुए विचारों को ₹5,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान रखिए बच्चों, आपको अपने मौलिक विचारों का ही उपयोग करना है। इसके बाद क्या होगा टीचर? इसके बाद विजेता बच्चों को अपने प्रोजेक्ट तैयार करने होंगे, जिसे जिला स्तर की प्रदर्शनी में रखा जाएगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 प्रोजेक्ट्स या विचार चुने जाएंगे। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 प्रोजेक्ट्स या विचारों को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चुना जाएगा और उन्हें
20,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वाओ टीचर, लेकिन हमारे विचार कैसे चुने जाएंगे? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर चुना जाता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं जीत गया? नहीं नहीं, इस स्तर पर जो राशि दी जाती है वह आपके प्रोजेक्ट को आगे विकसित करने और अच्छा प्रोटोटाइप बनाने के लिए सिर्फ एक सहायता है, जिसे राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। और हाँ बच्चों, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान देश के विभिन्न प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सहयोग से विद्यार्थियों को उनके प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए तकनीकी मदद और सलाह भी उपलब्ध कराएगा। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, 1000 प्रोटोटाइप या मॉडल में से 60 का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। इन सभी प्रोटोटाइप को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात, इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspireawards-dst.gov.in पर।